यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। और जो तुमसे आगे नई नस्ल है तो हैरत क्या, जो तुमसे आगे नई नस्ल है तो हैरत क्या, हमेशा जिस्म से आगे ही साए जाते हैं, हमेशा जिस्म से आगे ही साए जाते हैं। दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए आप बेकरार थे। आइए मैं अपनी फहरिस्त के उस सबसे कम सिन शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो दौरे हाजिर में। जी आइए जनाबे सूफियान प्रकाश। अस्सलामु अलैकुम। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक का इको थोड़ा सा बढ़ा दें। दोस्तों सच बताऊं, मैं भी सीधे सीधे प्रतापगढ़ से आप सबके बीच आया हूं। दो तीन दिन से मेरी तबीयत भी खराब है और सुबह मेरा एग्जाम भी है। ये तो एजाज भाई, आसिफ इश्तियाक साहब, सलमान इश्तियाक साहब का हुक्म और मेरी हाजिरी। दोस्तों आज मैं आप सबको ज्यादा कुछ नहीं सुना सकता, दो तीन शेर और सीरिया के हवाले से एक छोटी सी नज्म हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, सदा दुआओं की झोली मैं भर के चलता हूँ, सदा दुआओं की झोली मैं भर के चलता हूँ। जमाने भर की बलाओं से डर नहीं लगता, घर से सूरह यासीन पढ़ के चलता, सूरह यासीन। दोस्तों ये मोहब्बतों का तकाजा नहीं, इतना मुशायरे की रिवायत है। बहुत अच्छा पढ़ा, एक बोता दोहरा दो भैया। मैं साथ रखता हूँ अपने ये कीमती दौलत, सदा दुआओं की झोली मैं भर के चलता हूँ, जमाने भर की बलाओं से डर नहीं लगता, जमाने भर की बलाओं से डर नहीं लगता। मैं घर से सूरह यासीन पढ़ के चलता हूँ, मैं घर से सूरह यासीन पढ़ के चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि नीरव मोदी बैंक से करोड़ों रुपए लेकर देश से फरार हो गया। मोदी जी कह रहे थे आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइए, चौकीदार बनाइए, चौकीदार। ये कैसी चौकीदारी है साहब, नीरव मोदी बैंक से करोड़ों रुपए लेकर देश से फरार हो गया और आपके सर पर जूं तक नहीं रहेगी। एक सिंपल सी बात है, मैं जानता हूँ अगर घर में चोरी हो जाए, कुत्ता भौंके ना, तो इसका मतलब है कि कुत्ते को बिस्किट जरूर मिला है। मैं शेर हासिल करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। ये कैसी खामोशी लब पे जारी है, ये कैसी खामोशी लब पे जारी है, लगता है उनकी भी साझेदारी है, लगता है उनकी भी साझेदारी है। नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया, नीरव मोदी लेके करोड़ों भाग गया, साहब जी ये कैसी चौकीदारी है, साहब जी ये कैसी।
से जिंदाबाद जिंदाबाद साहब जिए के क्या कह रहे हैं वाह 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 साहब जिए कैसे चौकेदारी ये साहब जिए कैसे चौकेदारी ये खुदा का शुक्र है कि कोई मुस्लिम पैसा लेकर नहीं भागा वरना क्या होता कि जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते जाने वो क्या क्या अफवाह उड़ा देते मीडिया वाले इसको और हवा देते मीडिया वाले इसको और हवा देते कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर तो कोई भी मुस्लिम भागता पैसा लेकर तो भक्ते से भी लोन जिहाद बता देते भक्ति से भी लोन जिहाद बता देते बहुत शुक्रिया भक्ति से भी लोन जिहाद बता देते बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोहब्बतों का दोस्तों एक बयान आता है कि ताजमहल का नाम बदल कर तेजो महल कर दिया जाए मैं शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मजा करें तुमने तो सिर्फ बोए गए नफरत के बीज बसे माइक वाले भाई से गुजारिश है कि माइक का इको थोड़ा सा बढ़ा दे तुमने तो सिर्फ बोए गए नफरत के बीज बसे उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम होता ना अगर ताज महल लाल किला तो होता ना अगर ताज महल लाल किला तो हर दुनिया को सिर्फ गाय बाबों पर दिखाते तुम गोबर दिखाते तुम दुनिया को सिर्फ गाय व गोबर दिखाते तुम बहुत बहुत शुक्रिया एक सुखिया जी एक मिनट ये वैगनार जिन साहब की है मुंतजमीन को कुछ कार अपनी पार्किंग से निकालनी है वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वैगनार को हटा दें जी पड़ी दोस्तों आप सबने टीवी पर देखा होगा कि सीरिया के मुसलमानों के घरों में बम बरसाए जा रहे हैं मैं सीरिया के दर्द को अपने इस नज्म में पिरोने की कोशिश की है इरशाद है मैं नज्म हाजिर करता हूँ बतौर खास मुआज़ा करें मैं हूँ सीरिया सुन ले फरियाद मेरे मैं हूँ सीरिया सुन ले फरियाद मेरे खुदा रा करे कोई इमदाद मेरे खुदा रा करे कोई इमदाद मेरे इस नज़्म का पहला बंद हाजिर करता हूँ खास ये दुनिया के मुस्लिम कहाँ सो गए हैं ये दुनिया के मुस्लिम कहाँ सो गए हैं कहाँ ऐशो इशरत में सब खो गए हैं ये दुनिया के मुस्लिम कहाँ सो गए हैं ये दुनिया के मुस्लिम कहाँ सो गए हैं कहाँ ऐशो इशरत में सब खो गए हैं कोई भी कोई भी ना आया
मदद को हमारे हुई खत्म क्या आज तादाद मेरी, मैं वो जेरिया सुन ले फरियाद मेरी, खुदा करे कोई इमदाद मेरी। काश कि आज सद्दाम हुसैन जिंदा होते तो सीरिया के मुसलमानों पर ये जुर्म जुर्म ना होता। खुदा से दुआ है कि या खुदा कोई सद्दाम हुसैन फिर से भेज दे। मैं ये बंद हाजिर करता हूँ तो एतराज नजर करें। तू सद्दाम के जैसा सबको बना दे, तू सद्दाम के जैसा सबको बना दे, इलाही तू अब अपनी कुदरत दिखा दे। तू सद्दाम के जैसा सबको बना दे, तू सद्दाम के जैसा सबको बना दे, इलाही तू अब अपनी कुदरत दिखा दे, इलाही तू अब अपनी कुदरत दिखा दे। लहू से ये मेरा बदन तर बतर गए, लहू से ये मेरा बदन तर बतर गए, हुई जिंदगानी है बर्बाद मेरी, मैं हूँ सीरिया सुन ले फरियाद मेरी, खुदा रा करे कोई इमदाद मेरी। इस नज़्म का आखिरी बंद हाजिर करता हूँ और आप सब से गुजारिश करता हूँ कि आप सब सीरिया के मुसलमानों के लिए दुआ करें। मैं बंद हाजिर करता हूँ, बताओ खास मुलाजा करें। खुदा तो कहर डाल दे उनके ऊपर, खुदा तो कहर डाल दे उनके ऊपर, अबाबीलों का भेज दे कोई लश्कर, खुदा तो कहर डाल दे उनके ऊपर, खुदा तो कहर डाल दे उनके ऊपर, अबाबीलों का भेज दे कोई लश्कर, अबाबीलों का भेज दे कोई लश्कर, बरसते हैं दिन रात बम मेरे घर पर, बरसते हैं दिन रात बम मेरे घर पर, हुई आज बस्ती है बर्बाद मेरी, मैं सीरिया सुन ले फरियाद मेरी, खुदा रा करे कोई इमदाद मेरी। जिंदाबाद। ये एक और दोबारा ऐलान सुन ले। यूपी 32-5702 नंबर जिस वैगनार का है वो ये वैगनार जिन साथियों पर क्रम जल्द से जल्द रास्ते से हटा दे। यूपी 32-5702। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, मैं जाते जाते आप सबसे सिर्फ इतना कह के जाता हूँ कि याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, याद रखना मुझे, याद आऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं, शायरी ख्वाब में भी सुनाऊंगा मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, मैं हूँ बच्चा मुझे बस दुआ दीजिए, बनके इकबाल तुमको दिखाऊंगा मैं, बनके इकबाल तुमको दिखाऊंगा मैं, बनके इकबाल तुमको, बनके इकबाल तुमको दिखाऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए जनाब सूफियान खताब करें।
ये बहुत देर से मुंतजर थे आपको सुनने के लिए, बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने ये महफिल मुनाकिद की है। आइए तशरीफ ले आइए जी, बैठिए आप अपनी जगह पर बैठिए, वो तशरीफ ला रहे हैं। जनाबे सुफियान साहब, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं, इसका इंतखाब आप खुद कर लीजिए कि आपको क्या सुनाना है। माइक पर जनाबे सुफियान प्रताप कर। दोस्तों मुझे पता है कि यहाँ पर बैठा हर एक शख्स साहब जी के जीएसटी और नोटबंदी से बेहद परेशान है, और हर एक शख्स इस उम्मीद में बैठा है कि विकास कब पैदा होगा। मैं चार विषय हाजिर करता हूँ साहब। इरशाद। अमरीका और लंदन में वो घूमेंगे। माइक वाले भाई से गुजारिश है कि ईगो थोड़ा सा बढ़ा दे। अमरीका और लंदन में वो घूमेंगे। अमरीका और लंदन में वो घूमेंगे। जाने कब तक वो विकास को ढूंढेंगे। जाने कब तक वो विकास को ढूंढेंगे। जीएसटी नोटबंदी सब कुछ करके वो, जीएसटी नोटबंदी सब कुछ करके वो, एक दिन लेकर देश की नैया डूबेंगे। लेकर देश की नैया डूबेंगे। एक दिन लेकर देश की नैया डूबेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों मैं माँ के हवाले से चार मिसरे हाजिर करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास नज़ा करें। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों क्या तुमको खबर है। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों क्या तुमको खबर है। नादान परिंदा हूँ मैं उजड़ा हुआ घर है। नादान परिंदा हूँ मैं उजड़ा हुआ घर है। छोटी सी उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, शोहरत जो मिली है। छोटी सी उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है, छोटी सी उम्र में मुझे शोहरत जो मिली है। ये सब तो मेरी माँ की दुआओं का असर है। ये सब तो मेरी माँ की दुआओं का असर है। ये सब तो मेरी माँ की दुआओं का असर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।